Hello beautiful people, welcome back to my channel Purnimala Infinity and welcome back to another episode of Saturday Story Time. तो गाइस जल्दी से चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी. बट वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे वीडियोस तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छी लगे. गाइस मैंने अपने चैनल पे जो है काफी सारी हॉरर स्टोरीज जो है वो शेयर की है. सारे ही वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सैटरडे स्टोरी टाइम के नाम से, तो वहां पे भी आप जाके सारी स्टोरीज को चेक कर सकते हो. इसके अलावा भी मैं ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करती हूँ, तो आप वो सारे वीडियोस भी मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो. तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से आज की स्टोरी को शुरू कर देते हैं. इसके बाद में पूरे कैंप्स के दौरान, बाकी दोनों कैंप्स के दौरान हमें कुछ भी इस तरह का नहीं पता चला, कुछ भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बाकी सब कुछ अच्छा ही था. एंड देन इसके बाद में पूरा जो है कैंप कंप्लीट हो गया और हमें वापस आना था बैक टू खड़गपुर. तो मनाली से हमने अगेन बस लिया और हम पहुंच गए चंडीगढ़. हमें वापस आते टाइम एक स्कूल में स्टे करना था, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर ट्रेन की टाइमिंग्स होती है ना अलग अलग, तो उसलिए हमें वहां पे स्टे करना था. तो एक रात को हम वहां पे स्टे किए थे. वहां पे बहुत ही अच्छा खाना वाना बनाया गया था, हम लोग खाए. और उसके बाद भी जैसे कि यू नो बहुत टाइम था अभी सोने के लिए, तो हम लोगों ने जो है अगेन स्कूल में इस तरह से ग्राउंड वगैरह में वॉक किया. एंड हम लोग बात कर रहे थे, सब लोग बाहर ही थे, कोई ऐसा नहीं कि रूम में जाके सो गया है एंड ऑल. तो हमने देखा कि अभी मैं स्कूल का नाम रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर पता नहीं ऐसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये हो सकता है कि आप में से कोई उसी स्कूल से यू नो पास आउट किया हुआ हो या फिर उसी स्कूल में पढ़ रहा हो, तो मैं स्कूल का नाम रिवील नहीं करना चाहती यहाँ पर. रात को डिनर करने के बाद में हम लोग कर रहे थे वॉक, और वॉक करते करते हम लोग जो है जैसे स्कूल की बिल्डिंग्स होती है ना कि चारों तरफ जो है समझिए यहाँ इस तरह से 1, 2, 3 इस तरह से पूरा बिल्डिंग्स है और बीच में ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग खड़े थे. और थोड़ा उधर थोड़ा उस साइड में यानी आगे के साइड में जो है वहाँ पे खाना वाना का रूम था जहाँ पे हम लोगों को रहने के लिए खाने के लिए दिया गया था. तो ऐसा था कि क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी ना, सारे विंग्स जो है वहाँ के बंद किए गए थे एक्सेप्ट फॉर वन विंग जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे, ठीक है. तो उसी विंग का जो है ताला वाला खुला हुआ था, बाकी सारे की गेट्स वगैरह सब बंद की हुई थी. एंड और वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ठीक है. तो वहाँ पे ऐसे ही हम लोग जो है खड़े होके बात कर रहे थे ग्राउंड के बीचों बीच. और बात करते करते अचानक से मुझे लगा कि उनमें से एक विंग में जो कि मेरे एकदम सामने दिख रहा था, मतलब जहाँ पे जिस विंग में हम लोग रह रहे थे उसके ऑपोजिट वाले विंग में पूरी लाइट्स जो है बंद की हुई थी. एंड वहाँ पे नीचे गेट में ताला भी लगा हुआ था क्योंकि यू नो वॉक कर रहे थे वहाँ पर और हम लोग देख रहे थे कि बिल्डिंग कैसा है, यहाँ का स्कूल कैसा है एंड ऑल. तो उस टाइम पे हमने देखा कि वो विंग का जो है गेट बंद किया हुआ है. इसका मतलब यही हुआ ना कि वहाँ पे कोई नहीं है. और हम वहाँ पे दिन भर थे तो दिन भर में हमें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा था. बट जिस टाइम हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे ग्राउंड में खड़े होके, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि उस 3 स्टोरीज का बिल्डिंग था, ठीक है, ईच विंग में 3-3 स्टोरीज थी. तो जो बीच की स्टोरी थी ना वहाँ पर, बीच का जो माला था वहाँ पर जो बीच वाले स्टोरी का स्टेयरकेस वाला जो एरिया था वहां पे अचानक से लाइट ऑन होता है, बाकी सब लाइट्स बंद हैं और वहां पे अचानक से लाइट ऑन होता है. तो मुझे क्योंकि वहां पे फ्लैश हुआ, सामने से लाइट फ्लैश हुआ, तो मैंने उस तरफ देखा. तो मुझे मतलब मैंने जस्ट देखा कि ये सारी लाइट्स बंद है तो इधर किसने ऑन किया है, क्योंकि वहां पे नीचे तो ताला लगा हुआ है तो ऊपर तो कोई हो नहीं सकता. तो मैंने उस तरफ देखा और मैं बात कर रही थी यहाँ अपने दोस्तों के साथ में और मैं उस तरफ भी देखे जा रही थी. देखते देखते मैंने देखा कि वहां पे एकदम यू नो लाइट ऑन है बट वहां पे कोई है नहीं. तो फिर मैं बात करने लगी और करते करते बात करते करते यू नो अचानक से मुझे लगा कि वहां से कोई देख रहा है. तो अब जब मुझे ऐसा लगा कि तो मैंने नॉर्मली ही उस तरफ टर्न करके देखा तो वहां पे मुझे एक लड़की दिखाई थी, लाइक एक लड़की
जो स्कूल यूनिफॉर्म में भी नहीं है, अगर हाँ अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म में होती तो समझ सकते थे कि हो सकता है कि कोई बच्ची रह गई हो छुट्टियों के दौरान, और मतलब छुट्टियों से पहले हो सकता है, कई हमने ऐसी कहानियां सुनी है ना कि छुट्टियों के पहले पहले कोई स्कूल में बंद होके रह गया हो, तो हो सकता है कि ऐसी कोई बच्ची हो। बट वो बच्ची एकदम छोटी भी नहीं थी, देखने में तो वो हमारे ही एज की लग रही थी, एंड उसने बिल्कुल भी मतलब स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना था। अगर कोई स्कूल की स्टूडेंट है तो वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के होती, बट वो स्कूल के यूनिफॉर्म में भी नहीं थी, और उसके कपड़े कुछ समझ नहीं आ रहे थे, बट वो डेफिनेटली यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि मैं हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, तो वो यूनिफॉर्म नहीं था, वो नॉर्मल कपड़ों में थी, एंड उसके बाल भी बने हुए नहीं थे, वो नॉर्मल से बालों में थी, एंड वो एक टक वहाँ से ना देखे जा रही थी, और बिना पलक झपके वो देख रही थी हमारी ही तरफ। तो फिर मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि वहाँ पे कोई है, तो फिर वो लोग खोजने लगे कि कहाँ है कहाँ है। देन मैंने उनको धीरे से बोला कि मतलब ऑब्वियसली मैं इशारा करके नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि फिर अगर वो मुझे देखती तो पता नहीं क्या होता मेरा, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि देखो वहाँ पे लाइट जल रही है, एक उस बिल्डिंग में एक ही जगह लाइट जल रही है, उस तरफ देखो। तो उन लोगों ने वहां पर देखा, तो देखते ही वो लाइट तो जल रही थी बट वहां पे कोई लड़की नहीं थी, ठीक है। तो देन उन्होंने कहा कि हाँ लाइट तो जल रही है पर लड़की तो कोई नहीं है वहां पर, तो क्योंकि मैंने उसको क्लियरली देखा था, वो ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट एक झलक देखी हो या मुझे वहम हुआ हो, क्योंकि इतने देर से मैं किसी को देख रही हूँ और ये वहम हो नहीं सकता है। तो देन उसको देखने के बाद में फिर मैं उनको बोले जा रही हूँ कि अरे अभी वो लड़की थी वहाँ पर और अभी मैंने उसको देखा है, वो ऐसी थी वैसी थी, मैं उन लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो नहीं दिख रही है और अब तो नहीं है वो बिल्कुल, जब मैंने उस तरफ देखा तो अब वो नहीं थी वहाँ पर। तो देन हम लोग फिर, और रात का टाइम था, आप सोचिए अगर कोई लड़की रह भी गई होगी तो वो रात के टाइम पे अगर उसने एक जगह का लाइट ऑन किया है तो वो बाकी लाइट नहीं ऑन करेगी क्या? अगर वो वहां से चली जाएगी तो ऑब्वियसली वो मतलब उसको तो डर लगेगा ना रात में, क्योंकि अंधेरा है हर रूम में। और अगर वो चाहती, अगर वो सच में वहां पर थी, फंस गई थी, तो उसने जब इतने सारे लोगों को देखा तो उसने आवाज क्यों नहीं लगाई वहां से? लिटरली अगर वो आवाज लगाती तो वो क्लियरली हमें सुनाई देती, क्योंकि आवाज गूंजती है खाली रूम्स में। तो वहां पे वो खड़ी थी और हम लोग उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, ऐसे भी कोई बड़ा सा बिल्डिंग तो था नहीं, 3 स्टोरी का ही बिल्डिंग था, और हम लोग वहां से जस्ट थोड़ी ही दूर में ग्राउंड में थे। लिटरली मतलब हम लोग ऐसे खड़े थे कि अगर दूर से हमारे बाकी दोस्त लोग जो बातें कर रहे थे या वहां पे जो भी चिल्ला चिल्ली वो लोग कर रहे थे, वो सारी चीजें हमें सुनाई दे रही थी। तो अगर ये लड़की चिल्लाती या अगर ये लड़की जो है, अगर ये लड़की जो है मदद के लिए आवाज लगाती तो वो हमें डेफिनेटली सुनाई देती, बट वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो एक टक बस देखे जा रही थी। और जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया तो उस टाइम वो नहीं थी वहां पर। फिर मैंने भी सोच लिया कि शायद हो सकता है मेरा वहम हुआ होगा और पता नहीं ऐसे ही मैं डर रही हूँ, हो सकता है। जबकि ऑनेस्टली बताऊँ, हाँ मैं डरती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सर्टेन जगहों पे डर लगता है, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती कि डर लगता है, बट हर जगह डर नहीं लगता किसी को भी, इतनी डरपोक तो मैं हूँ नहीं। और वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ऐसी कोई भी नेगेटिव वाइब्स मुझे नहीं आई थी उससे पहले, और उस टाइम पे भी मुझे नेगेटिव कुछ नहीं लग रहा था, बट सडनली वो लड़की मुझे इस तरह से दिखी। और उसके बाद में फिर हम लोग इसको इग्नोर करके हम लोग फिर आपस में बात करने लगे। फिर हमने देखा थोड़ी देर में कि वो लाइट ऑफ हो चुका है अपने आप, एंड हम सोच सकते हैं कि जो स्टाफ हैं बाकी जो वहाँ पे खाना वाना बना रहे हैं या हमारी हेल्प के लिए जो भी स्टाफ थे वहाँ पर, हो सकता है उन लोगों ने किया हो। तो फिर हमने उसको भी इग्नोर किया कि हो सकता है किसी ने बंद कर दिया होगा। देन थोड़ी देर बाद फिर मैं देखती हूँ कि वो लाइट फिर से जला है, और जब मैं उस तरफ देखती हूँ तो वो लड़की फिर वहां पर खड़ी है। और इस बार मैंने बिना देरी किए मैंने तुरंत अपने दोस्तों को कहा कि देखो अब वो लड़की सच में वहां पर खड़ी है, अब तुम लोग देखो। तो फिर मेरे दोस्तों ने वहां पर देखा
तो उन्होंने कहा कि लाइट तो चल रही है बट लड़की नहीं है। मैं अब और कैसे उन लोगों को समझाती कि वो लड़की वहां पर खड़ी है। और ये चीज जब हो रहा था ना, तो इतने में मेरे साथ साथ मेरी एक और फ्रेंड ने सेम चीज देखी। ठीक है, उसको फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं दिखा था, बस इस टाइम जो है उसे भी वो लड़की दिखाई दी थी। और देखते देखते वो लड़की ना हमारी आंखों के सामने से यू नो वैनिश हो गई थी, लाइक गायब हो गई थी वो हमारी आंखों के सामने से देखते देखते। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो चल के कहीं गई हो या लाइट ऑफ हो गया हो तो हमें पता नहीं चला वो कहाँ गई हो। लाइट ऑन था, बाकियों को वो लड़की नहीं दिख रही थी, मुझे और एक और लड़की को ही वो लड़की दिख रही थी, और अचानक से वो लड़की दिखते दिखते गायब हो जाती है। तो ये बहुत ही क्रीपी सा लगा। और हमें उस टाइम ये था ना कि हमने सोचा कि हम बताएं, बट जब ये लड़कियां ही नहीं विश्वास कर रही तो हम किसी टीचर को या बाकी वहां के स्टाफ को कैसे हम बताते और क्या ही पूछते उन लोगों से, क्योंकि फिर वो लोग बोलते कि ये लड़कियां जो है कहानी बना रही हैं। क्यों, हमें लगा कि वो लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे और फिर इस बात का बतंगड़ बन जाएगा और सब हम पे हंसेंगे। तो ये चीज़ होती है ना स्कूल में कि मतलब लोग मजाक बना लेते हैं हर चीज़ का। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई चलो इग्नोर करो और निकल जाओ इस जगह से, मतलब यहाँ से तो हट जाते हैं, हम चले जाते हैं अपने रूम में क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम चुपचाप वहाँ से चले गए और हमने उस तरफ और ध्यान दिया नहीं, हम चले गए अपने रूम्स में और फिर वहीं पे बैठ के हमने बातें बातें की और हम सो गए। थैंकफुली रात को ऐसा कुछ भी वहाँ पे और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और या फिर हमें और कोई चीज़ दिखी नहीं। एंटायर स्कूल में ना हम लोगों ने एंटायर स्कूल में वहाँ पे चक्कर काटा था और स्कूल से बाहर भी हम लोग गए थे, आसपास में जो शॉप्स वगैरह थी ना वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाने गए थे हम लोग दिन में भी, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वही उस रात को ही वैसा हुआ था कि वो लड़की दिखी थी, और एक बार नहीं वो दो बार दिखी थी हमें। तो दो बार तो वहम हो नहीं सकता है और दो लोगों को वहम हो नहीं सकता है। तो इस तरह से हमें वो चीज़ दिखाई दी। बट अगले ही दिन फिर हम लोग सुबह जो है ट्रेन थी हमारी, तो हम अगले ही दिन वहाँ से निकल गए। तो बस यही दो इंसिडेंट्स हुई थी वहाँ पर, जो अगर सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हो सकता है सुनने में डरावनी ना लगे बट क्रीपी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। और अगर ये कुछ नहीं है तो वहम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला वो शैडो भी हमें क्लियरली दिखाई दिया था और वो हम में से किसी का भी नहीं था, ना ही हमारे साथ जो लोग गए थे उनमें से किसी का था। तो वो शैडो भी बहुत क्रीपी था और ये लड़की तो भाई डायरेक्ट दिख रही थी। बट हाँ, लड़की का जो है वो चेहरा मतलब वैसा नहीं था कि आप देख के याद रख सको कि हाँ ये लड़की ऐसी दिखती है। बस उसका जो उसके जो कपड़े हैं, उसके बाल कैसे हैं और उसका मतलब वो लड़की है और किस एज की हो सकती, इस तरह का ही पता चल सका। उसका चेहरा एकदम क्लियर वैसा नहीं था कि आप देख के उसका चेहरा याद रख सको। तो बस यही दो इंसिडेंट्स हुई थी हमारे स्कूल टाइम के उस ट्रिप के दौरान। बाकी और भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के साथ में क्या कभी इस तरह का कुछ हुआ है स्कूल टाइम में, या क्या आपने कोई भी इस तरह की स्कूल टाइम की हॉरर एक्सपीरियंसेस सुनी है या स्टोरीज सुनी है। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई स्टोरीज पता है तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे पूरी स्टोरी जो है सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करके वहाँ पे भी अपनी स्टोरी जो है मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। आई बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट ऑन आर चैनल। आज की स्टोरी बस इतनी ही तक थी, तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।